भट्टो साहब, बेनजीर और उसके बाद इमरान खान, इनके बाद जो जाए ना लल्लू पहाड़ है सारे, जिनको पढ़ने भी नहीं आता, कागज पढ़ने भी नहीं आता, वो कैसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फ्लैटे बनाऊंगा और सबको ये करूंगा वो करूंगा। क्या कहता था इमरान खान? हाँ इमरान खान, लेकिन उसके जितने हैं सारे चोर हैं। सारे इमरान खान खुद किया है, गुड मैन, गुड मैन, इस नहीं मिलेगा वैसे। और ये गिर्द सारे चोर हैं, सब चोर हैं। अच्छा, उसको खराब करने वाले, बदनाम करने वाले लोग हैं इमरान खान यार। लेकिन इमरान खान का सियासत में तजुर्बा था, किया है, उसकी तकरीर में शुरू में दम थी। तजर्बे की क्या बात? नहीं, उसने जो कहा था कि मैं बिजली के बिल फाड़ दूंगा, मैं जला दूंगा, ठीक हो गया। तो कहाँ गए हमारे तो बिजली के बिल, ना जल रहे हैं ना फाड़ रहे। उसको वो जो मुर्दार दूसरे छोड़ेंगे तो काम करेगा वो, ना वो छोड़ नहीं रहे। आप छोड़ोगे तो वो काम करेगा। हमने तो उसको पकड़ा ही नहीं है कभी, यकीन कर। इमरान खान को मैंने वोट ही नहीं दिया, मुझे तो उसकी तकरीर। नहीं, इमरान खान की जरी जुबान उन्हें चलाई है ना, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी उसके पीछे खड़ोती थी, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी, उन्हें मुंह जो आया उन्हें कितने वजीर आजम बन गया यार। आज भी उसको उसकी रस्सियां खोल दो, वो पाकिस्तान को ठीक करेगा। नवाज शरीफ तो जाके किसी के साथ बात नहीं यार। एक बंदा भाई जान, एक बंदा बात सुन, एक बंदा अपना घर नहीं ठीक कर सकता, वो इतना बड़ा पाकिस्तान कैसे ठीक करेगा? उसको बैचो बीवी टिकती नहीं है उसके साथ। कौन सी थोड़ा जो सीधा होया काफर सी, समझिए पहले, समझिए नहीं गुनाह होता। मेरी गल सुन, एक ब्याह कितना छटा सी, लेकिन ये भी तेन कह दे, इमरान खान मुल्क ठीक नहीं कर सकता। बंदा बहुत भी चंगा हो जाए ना, तू बहुत चंगा हो जाए ना, कार रन नहीं ठीक कर सकना है। किस तरह सफर कर जाओ, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हो जाए तो फिर ना, तू 3 साल की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हो के क्यों ठीक के कर से पीछे बिगड़े हो ना, सारे को तबाही बर्बादी की थी तो क्या ठीक कर, नहीं हो करता ना। इसके लिए इसे नाल है उसी, मेरी गल इसे नाल है उसी, पाकिस्तान का इलाज ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तरक्की नहीं करे तो मार के फिर पाकिस्तान में मारे ठीक नहीं होगी, बात सुनो, बात सुनो, सुनाओ सुनाओ। इसको इंडिया की फिल्म देखी है, इसको वन डे जो है ना वजीर आजम बनाना चाहते हैं। बना दो तुम, समझना ठीक करूँ तो फिर बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज। वन डे वजीर आजम, उसे कपड़े तेरे फट जैसा ना, क्रीज रन करो ना साल ऐसा नहीं, बिजली पानी फट नहीं तो बदमाश। नवाज शरीफ ग्रेट मैन, वही मोटर वे किसी से नवाज शरीफ के सारा जहन था ना, शहबाज शरीफ का जहन था ना, इमरान खान तो जंगल जेल कहता था, सॉरी भी कहा उसने, चोर होता ना वो अपने पैसे बिल्डिंग के अस्पताल यानी बनाता, वो जाके लंदन में बनाता। उस चोर ने तो जाके लंदन में जाके फ्लैटें बनाई है। पढ़ा लिखा आदमी कभी भी जनाब अली नवाज शरीफ का और जरदारी का अच्छा नहीं बोलेगा, वो जरदारी का भी बोलते हैं। मेरी बात, इमरान खान ने बताओ ना क्या किया है, क्या किया है बताओ। अल्लाह उसको कुछ छोड़े दो, क्या हमने कहा मोची लोलो छोड़ दो, कराची से आ रहा है मोची लोलो। मोची लोलो
लेकिन एक बात है, इमरान खान ने कुछ बताया नहीं है भाई जान। रशीद खान देखो मेरी बात सुनो, रशीद साहब उसने कहा था आईएमएफ में नहीं जाऊंगा। नहीं 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 और तुम लोग किसी चीज पे नहीं समझते हो। उसकी क्या बात समझिए ना, इंसान का पुत्र है तुम्हें पाकिस्तान में और बंदा नजर आता है उसके अलावा? किसके अलावा? इमरान के अलावा भाई जान। या था ज़ुल्फ़िकार अली भाई, छोड़ छोड़ हम जाहिल हो गए। तू पढ़ा लिखे तू भी जाहिल है ना? नहीं क्यों भी जाहिल है लोग अच्छे पढ़ा लिखे कौन तू पढ़ा लिखे मैं जाहिल हूँ भाई। नहीं तुम्हें तो नहीं मैं कहता हूँ जाहिल ना, मुझे बात बताओ जब नवाज शरीफ था गवर्नमेंट में डॉलर क्या रेट था यार? भाई पेट्रोल क्या रेट था? उसके उसके खिलाफ हुए हैं सारे उसके खिलाफ। एक बात मेरे जहन में गौर से सुनो अच्छा, हुकूमत चलाने के लिए तेरे पास होने चाहिए किंग, जिनके पास बड़ा बड़ा छोड़ा हो पैसा हो। जब उनकी गवर्नमेंट आती है बड़ा पैसा फेंकते हैं, जब तेरे पाकिस्तान में जब पैसा आता है उससे डॉलर पेट्रोल हर चीज कंट्रोल में रहती है। इमरान खान के पास क्या है? चंदा दे दो, 100 का नोट ना कुछ भी नहीं किया, तबाह कर दिया उसको। अच्छा पहले क्या कहता है, एनएफ की तरफ मैं जाऊंगा भी नहीं, कहा था मजबूरी हो गई है, मजबूरी हो गई है। नवाज शरीफ जाता था तो वो चोर था, वो इसने फिर मुल्क में खाया ना, वो तो लेके बाहर फलेदे बना दिए। भाई जान अपनी जिंदगी भी गुजारेगा सारी, इसको वजीर आजम भी करता रहेगा। तुमने जिंदगी नहीं गुजारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। भट्टो साहब, बेनजीर और उसके बाद इमरान खान, इनके बाद जो जाए ना लल्लू पहाड़ है सारे, ये जिनको पढ़ने भी नहीं आता, कागज पढ़ने भी नहीं आता, वो कैसे जनाब सदर? भाई मेरी बात इमरान खान की जो तुम बात करते हो अभी तक मैंने इमरान खान की सिर्फ बातें सुनी, अमली काम कोई नहीं देखा। सुनो देखो, थोड़ा सा ठंडा खाओ पानी, तुमने पूरा गिलास खत्म कर दिया, एक और लाओ। जरा ठंडे दिमाग से सुनो, इसने कहा था कि मैं आऊंगा मैं चोरों को पकड़ूंगा। कौन से चोरों को पकड़े थे? किससे पैसे मैं वापस दूंगा? किससे लिए पैसे? ठीक हो गया। FBR को मैं मजबूत करूंगा। पकड़े ये हुआ, एक चीज हुई है खान की हुकूमत में, एक चीज हुई है। पहले FBR का काम मैं तेरे जैसे चोर को 1000 रुपए देके कराता था, अब तुम तेरी फीस 10,000 हुई है। बस ये हुआ, ये इमरान खान ने किया। पहले SHO मुझसे 2,000 देता था, अब थाने जाते हैं SHO 20,000 लेते हैं। सख्ती सोची इमरान खान, समझ आई? सख्ती सोच और काम उसी तरह चल रहा है भाई जान। पहले जो है ना लोग 1,000 पे काम करते थे, अब 5,000 लेते हैं। किसको समझिए ना, कहीं भी लेते हैं। काम उसी तरह, पाकिस्तान उसी तरह चल रहा है। इमरान खान भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। रिश्वत के बगैर चल नहीं सकता, ये देखो। तो इसने इमरान खान ने क्या किया? शरीफ ठीक था ना, डॉलर से 100 का था ना। जापान पे जब एटम मारा गया था ना, उस अभी तक उस मुल्क ने तरक्की की थी। जब तक पाकिस्तान पर एटम नहीं मारा जाएगा, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं। नो गॉड प्लीज नो 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 बात करके बर्बाद। सद्दाम का मतलब जमहूरियत का मतलब पहले सीखो। नस्लें बिकी हुई है, तेरी नस्लें चोर चोर मिली हुए हैं। हम किसी को माफ भी नहीं करते। सारे चोर, मैं तुम सब। काफी सारी बातें जो उनसे इफ्तिखार भाई ने बहुत अच्छी की हैं, ऐसे गप लगा रहे थे, कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन उसको छोड़ा भी नहीं गया। आपका नाम देखो, अभी लॉन्ग मार्च शुरू है, वो उधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, कोई अजीबी अजीबी हुए है, कोई सुकून ही नहीं इस मुल्क में। यार आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या नाम है? जलील नाम है। आप क्या करते हैं? सुनो मैं क्या करता हूं, मैं हूं और कैमरामैन है जलील कबाबी। क्या पेज का क्या नाम है? कबाबी। पानी आती है ना, जब पानी चला ना सकोगे यार, बिल आएगा तो तुम क्या क्या उस बिजली पे क्या करोगे?
नहीं एक दिन अभी लेकिन मेरा जहन ये कह रहा है अभी आगे जो वक्त है वो दो चीजों का है तो फिर हम ठंडे पानी से पाकिस्तानी आवाम इन दो चीजों पे पाकिस्तानी आवाम सोचे आगे बिजली आ रहा है सोलर सिस्टम सारा होगा और गाड़ियों में आ जाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलो के रहेंगे रात को जाके चार्ज किया करेंगे सुबह गाड़ी चलाएंगे ये सारी बातें सब जाने का मकसद ये था कि कारोबार बार बार बिल्कुल नहीं है यहाँ पे दुकानदार हजरात जो है वो ये कर रहे हैं देखिए ये दुकानदार हजरातों का ये हाल है कारोबार बिल्कुल नहीं है समझिए ना ये पूरी दुनिया का जो है ना कैमरामैन है जो फारुख हाथ में हाथ तारुफ 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 कराएं अपना जरा जलील फोटोग्राफर है समझिए ना जो फिल्मों में भी फोटोग्राफिंग करता है वो हाथ पे हाथ रख के जो है ना बैठा हुआ है वो भी ये रो रहा है कभी इमरान खान को कभी नवाज शरीफ को वो हालात सबके खराब है वो बताए जरा कौन सा कैमरा लिया मैंने किधर कैमरा आपने